हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फोर का ए आपको दिया हुआ है। फर्स्ट जो है फाइंड द सम। अभी तक आपको नंबर लाइन यूज़ करने को बोला था, फिर विदाउट नंबर लाइन यूज़ करके आपको बोला, अब आपको सिंपली बोल दिया गया, आपको दो इंटीजर्स दे दिए या थ्री इंटीजर्स दे दिए और उसके बाद आपको बोला इनका सम फाइंड आउट करना है। इट मीन्स इनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखना है, जो मैंने उसमें फॉर्मूले समझाए थे वो आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, बट आप कोई भी चैप्टर करो बच्चे, शुरू से करो, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो क्या था, हमने कौन से रूल फॉलो किए थे, एक था प्लस, और प्लस क्या होता है, हमेशा प्लस। अगर माइनस माइनस है तो वो भी क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन इनमें से अगर एक प्लस है एक माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस है और फिर प्लस है तब भी क्या हो जाएगा, वो माइनस। बहुत इजी है ना, ध्यान रखना। क्या अगर दोनों सेम है तो हमेशा प्लस रहेगा, एक चेंज है तो वो हमेशा क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है फाइंड द सम। सम फाइंड करना है, इट मीन्स हमें ये एंड हटा के यहाँ पर हमने प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 137 उसके बाद प्लस, और अगर दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो हमने क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, 354। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 137 ये प्लस है ये माइनस है, तो हमारा रूल क्या है, प्लस और माइनस क्या है, माइनस। तो हमने यहाँ पे कौन सा साइन लगाना है, माइनस का साइन। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो है इंटीजर्स उसको लिख देना है। चलिए अब फटाफट 354 में से 137 को क्या करोगे, माइनस। तो 354 में से 137 को हमने माइनस करना है। 14 में से 7 को माइनस करो, कितना आ गया, 7। 14 ये तो आता होगा ना, छोटे बच्चे जब थे आप सीख चुके। यहाँ पर 4 में से 3 माइनस किया, 1 बचा। यहाँ पर जो है हमारे पास कितना बचा है, 3 में से 1 को माइनस किया तो 2। ठीक है, तो यहाँ कितना आंसर आ गया, 217। अब हमने क्या सीखा था प्रीवियस वीडियो में, कि यहाँ पर जो साइन लगाना है वो बड़ी डिजिट का, जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो साइन लगाना है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है, 354, और इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस। तो हमने यहाँ पर क्या लगाना है, माइनस। ये हो गया हमारा आंसर, है ना, बहुत ईजी। चलिए बी करते हैं। बी में से पहले हमें क्या करना है, इंटीजर्स को ऐसे उतारना है, एंड की जगह हमने प्लस लगाना है और अगला इंटीजर उतार लेना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी यहाँ सिंबल नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, इसलिए हमने ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है आपने, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। इट मीन्स हमने 52 में से 52 को माइनस करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम सी पार्ट। अब यहाँ पर आपके पास 3 इंटीजर्स है तो कोई बात नहीं, 3 इंटीजर्स के बीच में हम प्लस लगा देते हैं। कैसे करेंगे, माइनस 312 कॉमा था इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया, 39, उसके बाद एंड है फिर प्लस लगा देते हैं, 192। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले जो प्लस प्लस वाली डिजिट्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो चलिए ऐड करते हैं, इसको हम ऐसे कैसे उतार देते हैं। ठीक है, और ये दोनों प्लस की है ना, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, 192 और 39 को ऐड करेंगे, 9 और 2 11, ठीक है, 9 और 1 10 और 3 13, और ये क्या हो गया, 231। अब चलो अगले स्टेप में देखो क्या प्रॉब्लम है। अगले स्टेप, क्योंकि हमारे पास दो डिजिट्स है ना, दो इंटीजर्स हैं, हमें सिंगल करना है इसको। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस। तो अब हमने क्या करना है, 312 में से 231 को माइनस करना है। तो 312 में से 231 को माइनस करो, चलो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते 312 में से 231। 2 में से 1 को माइनस किया, 1, यहाँ 1 है, 1 में से 3 को माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ ले लिया, 11 हो गया, यहाँ 11 हो गया तो यहाँ 1 हो गया, 11 में से 3 को माइनस किया कितना आ गया, 8 आ गया।
और यहाँ वन वन, यहाँ पर टू, यहाँ पर टू था, टू टू क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कुछ नहीं बचा। क्या बच गया आपके पास? 81। अब देखो साइन बड़ी डिजिट का लगाना है, बड़ी डिजिट हमारी किस में है? माइनस में, तो मैं यहाँ पर क्या लगाना है? माइनस, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए डी पार्ट सेम। क्या करना है हमने? जहाँ कॉमे है एंड है उनको हटा के प्लस का साइन लगाना है, यहाँ प्लस लगा दिया, अब अगली डिजिट माइनस में इसलिए ब्रैकेट लगा के हमने उसको लिखना है। उसके बाद एंड है तो प्लस लगा दिया और 300। अब अगले स्टेप हम क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व में प्लस माइनस, माइनस 200 प्लस 300। अब देखो ये सेम साइन वाले हैं ना, तो पहले हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, देखो रूल पढ़ा है ना हमने, माइनस माइनस प्लस। अब 200 में 50 को प्लस किया तो कितना आ गया आपका? 250। साइन कौन सा लगाओगे? बड़ी डिजिट का माइनस। अभी एक स्टेप रहती ना हमारी, इसको हमने साथ में ऐसे ही लिख देना है। अब क्या आ गया देखो, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 300 में से 250 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपका? 50। बड़ी डिजिट जो आपकी प्लस में है इसलिए यहाँ पर भी हमने कौन सा साइन रखना है? प्लस का साइन रखना है। ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये जो है क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको ये नहीं कहा कि आप प्लस लगाओ माइनस लगाओ, आपकी मर्जी। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने बस इसको सॉल्व करना है अपने फॉर्मूले को देख के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इतनी सारी ब्रैकेट है, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो माइनस 7, उसके बाद ये प्लस माइनस, माइनस 9 प्लस 4 प्लस 16। ठीक है, अब सेम साइन को सॉल्व कर लें। सेम साइन कौन से हैं? ये दोनों सेम साइन है, ये दोनों सेम साइन है। तो माइनस माइनस प्लस 9 और 7 कितना हो गया? 16। बड़ी डिजिट माइनस में है इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया। आगे 16 और 4 को सॉल्व करते हैं, दोनों प्लस है तो प्लस 16 और 4 कितना हो गया? 20। साइन कौन सा लगाएंगे? बड़ी डिजिट, तो यहाँ पर क्या आ गया? प्लस। ठीक है, अब क्या करोगे अगले स्टेप में? देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 20 में से 16 को माइनस करोगे क्या आएगा? 4। बड़ी डिजिट का साइन क्या है? प्लस, तो यहाँ पे ये प्लस ही रहेगा। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ईजी है, बस स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ईजी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हमारा इसी का पार्ट बी। पार्ट बी में हमें सिर्फ सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 37 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 4 प्लस 16 ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि इनके पास तो ब्रैकेट है ही नहीं। सेम साइन देखो, इन दोनों के सेम साइन है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इसके आगे प्लस का साइन है। तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं और इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ प्लस है ये माइनस है, मीन्स 37 में से 2 को हमने माइनस करना है, तो क्या आ जाए आपका? आपका 35। बड़ी डिजिट प्लस में है इसलिए प्लस। आगे ये दोनों ही प्लस में है, तो 16 और 4 कितना हो गया? 20 और प्लस। चलो अब इसको करो फटाफट। 20 यहाँ पे 37 में से 2 को माइनस किया था आपका 35 आ गया था, और 16 और 4 को प्लस किया आपका कितना आ गया? 20। चलिए अब इन दोनों को फटाफट प्लस करो। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया? 30 और 20 और 5 55। ठीक है, ओके। सॉरी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5th का जो बी पार्ट है ना, इसकी डिजिट मैंने गलती से कोई और डिजिट उतार दी थी, तो कोई बात नहीं। वैसे आपको मेथड समझ आना चाहिए। ठीक है, तो मेथड तो आप समझ गए ना, फिर भी मैं इसका बी पार्ट जो है उसको सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो इसका ये बी पार्ट जो है ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, यहाँ से मैंने जो है डिजिट्स कोई और उतार ली थी, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या होगा? सेम हम पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 37 और ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। और ये प्लस है ये माइनस है, ये भी माइनस, और ये भी प्लस और माइनस है, तो ये भी क्या हो गया? माइनस। अब सारी डिजिट्स आपके माइनस में आ गई है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दो को सॉल्व करेंगे और इन दो को सॉल्व करेंगे। तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस
माइनस कितना आ गया 35। यहाँ पर प्लस का साइन है बड़ी डिजिट में तो प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बड़ी डिजिट माइनस में है इसलिए माइनस लगा दिया। अब 65 में 8 को आपने क्या कर देना है प्लस कर देना है, तो कितना आ गया जल्दी से ऐड करो, 65 में 8 को प्लस करना है तो क्या करोगे 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, 6 और 1 7, कितना आ गया आपको यहाँ पर 73। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है तो मीन्स 73 में से आपने 35 को माइनस कर देना है। अब 13 में से 5 को माइनस किया कितना आ गया आपका 8, और यहाँ पर आपका 1 यहाँ चला गया था 13 बनाने के लिए तो यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 को माइनस किया तो 3। आई होप आपको प्लस माइनस तो ईजिली आता होगा है ना, तो यहाँ कितना आंसर आ गया 38। बड़ी डिजिट हमारी माइनस में है इसलिए यहाँ पे क्या लगाना है माइनस, ये हो गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।